हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट्सएप ने जो नया फीचर लॉन्च किया है प्रॉक्सी सर्वर कनेक्टिविटी उसके बारे में। जैसे कि आपको पता है, कई सारे स्टेट्स में या फिर कई सारे जो राज्य है वहाँ पे आके इंटरनेट बैन कर दिया जाता है और व्हाट्सएप और फेसबुक को यहाँ पे एक्सेस ना मिल पाए उसके कारण। और यहाँ पे आपको पता ही होगा, व्हाट्सएप और फेसबुक की वजह से न्यूज़ आके लीक हो जाता है कई सारे कंट्रीज़ में। तो यहाँ पे सेम आपको पता होगा इराक में कैसा यहाँ पे तानाशाह चल रहा है। तो यहाँ पे जो सरकार है अपने आप को यहाँ पे बचाने के लिए सारे जो कनेक्टिविटी के मोड है, जैसे कि यहाँ पे व्हाट्सएप फेसबुक इन सबको ऊपर यहाँ पे बैन कर दिया गया है इराक में। उसी कारण यहाँ पे फेसबुक ने इस फीचर को लॉन्च किया है व्हाट्सएप में, जिसके वजह से कोई भी नियर बाई इंटरनेट से आप अगर कनेक्टिविटी रखते हो तो यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर यूज़ करके ही आप आके यहाँ पे आराम से कम्युनिकेट कर सकते हो और व्हाट्सएप को भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये मेनली आके एंटी हिजाब जो प्रोटेस्ट चल रहा है इराक में उसके कारण यहाँ पे किया गया है। जैसे कि आपको पता है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे बैन कर दिया है मोस्ट ऑफ़ द सोशल मीडिया, जिसके वजह से यहाँ पे जो बुरा खबर है इराक के बारे में वो स्प्रेड ना हो सके आम इंसान के पास, या फिर यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास भी। तो इसके कारण यहाँ पे व्हाट्सएप ने इस फीचर को लॉन्च किया है। इन फीचर को सारे वर्ल्ड वाइड आके लॉन्च कर दिया गया है, आप कोई भी कंट्री में रहते हो तो भी आप आके इसे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मेनली इसे लॉन्च किया गया है इराक की वजह से। उम्मीद है कि आपको कुछ नया जानकारी मिला होगा। आपको अगर ऐसे ही न्यूज़ चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू।